हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिजिटल कार्तिक एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग माइंड। तो बेसिकली आपको पता है आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। मैंने फेसबुक ग्रुप में अपने डाला था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। एंड यस, नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में भी आपको बताया था किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो बहुत सारे लोग तो बेसिकली आज का वीडियो के पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन स्किप भी बहुत कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा स्किप मत करो, वीडियो अच्छे से देख लो, पॉइंट वाइज देख लो, नोट्स निकालो एंड इसको अप्लाई करो अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि सब्सक्राइबर नहीं कर रहे लोग, बहुत लोग देख रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही करो। इस चैनल से एक्चुअली मुझे कुछ कमाना नहीं है लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए मैंने चैनल ओपन किया था। मैंने हो रहा है अच्छे से, इसलिए मैंने वीडियो चैनल निकाला है यूट्यूब पे, क्योंकि सबको मैं DM एक ही बात नहीं कर सकता, राइट। बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन एक्चुअली पूछते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे। तो मैंने ये मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि चैनल ओपन कर, वहाँ पे वीडियो तो डाल, सब देखेंगे, सब अप्लाई करेंगे। तो मैंने उसकी सुनी और मैंने ओपन किया। तो बेसिकली आज का वीडियो के टॉपिक की ओर जाते हैं, ठीक है, फ्रंट पे बोलूँगा मैं। तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग। आपको पता है बहुत सारे लोग जो हमारा ग्रुप में उनको पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी जो न्यू है, बिगिनर्स है, उनके लिए यह छोटा सा मैं मतलब 1 मिनट का टाइम लूँगा एंड इस पर मैं बात करूँगा एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे वर्कआउट होता है उसका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो मेन चीज़ है, जो CPA मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊँगा। CPA मार्केटिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं एंड किस तरीके से हम CPA पर इतना अर्निंग कर सकते हैं। यस गाइस, बहुत अर्निंग, एफिलिएट से भी ज़्यादा आप CPA मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें CPA में, आप सिर्फ एफिलिएट पर ही ध्यान दे रहे हो, CPA पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने जब सुना इस चीज़ को, मैंने जब स्टडी किया इसका, जो क्या बोलते हैं उसका स्कोप देखा, पोटेंशियल देखा, तो मुझे पता चला कि यार CPA मार्केटिंग में पहला करना चाहिए था। एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छा करता हूँ, आपको सबको पता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ग्रुप में सभी लोग तो पता है, राइट। तो बेसिकली CPA क्या होता है, उसका जो टाइप्स कितने होते हैं, उसकी अर्निंग कैसे की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें से लीड्स कैसे लाना है, सेल्स कैसे लाना है, तो बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ एंड बहुत सारे मैं आपको ट्यूटोरियल इस वीडियो में दे देने वाला हूँ। यस, मैंने प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आपको फॉर एग्जांपल आपको इंडिया को टारगेटिंग करना है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म अलग है एंड बाकी के जो Tier 1 कंट्रीज है उनको एक्चुअली टारगेट करना है तो उसका भी एक ट्रैफिक प्लेटफॉर्म अलग है। तो अब किस प्लेटफॉर्म को आपको एक्चुअली टारगेट करना है, चाहे आपकी अर्निंग अच्छी होने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज़ है कि आपको ऐसी साइट्स आपको बताऊँगा जो आपका काम करके आपको खुद वो देगी, मतलब आपको उनको सिर्फ बहुत कम पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको $10 की अर्निंग चाहिए तो $2 उनको आप पे करो एंड $8 का आपको फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल और बोलूँगा कि $100 का आपका काम है, आपको लीड चाहिए तो $20 हम उनको पे करेंगे एंड वो हमें लीड्स देंगे एंड वो हम लीड्स वापस सबमिट करने वाले हैं एंड $80 एज अ प्रॉफिट, मतलब $100 मिलने वाले हैं, $20 हम उनको पे करने वाले हैं, $80 का हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, दिमाग से जाना है, ज़्यादा काम नहीं करना है, ऑटोमेटिक वे ऑफ मोड ऑफ इनकम हमको तैयार करना है, एक सिस्टम तैयार करना है जिससे आप मतलब काम ना करो भी आपका अर्निंग ऐसे ऑटोमेटिक वे में होना चाहिए। यही मेरा ड्रीम है एंड इस पर मैं काम कर रहा हूँ। गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा बोलूँगा, राइट, 1 मिनट का जो आपका टाइम लूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। सो बेसिकली व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सेल द प्रोडक्ट ऑफ अदर कंपनीज एंड दे गिव कमीशन ऑन ईच प्रोडक्ट यू सेल, दैट्स इट। मतलब बहुत ईजिली आपको बोलूँगा एक एग्जाम्पल के साथ कि एक कंपनी है XYZ, उसका एक प्रोडक्ट है, कौन सा भी प्रोडक्ट हो, वो हमें एक एफिलिएट लिंक देगी आपके नाम का या कुछ भी हो, राइट, एक ट्रैकिंग ID देगी आपकी। उस लिंक से अगर आपकी उस प्रोडक्ट का आप सेल कर दें फ्रॉम मतलब सोशल मीडिया पे, उस लिंक को आप अच्छे से प्रमोट करो एंड वहाँ से लोग आएंगे, उस लिंक से वो प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कमीशन मिलेंगी। कमीशन कितनी मिलेगी, राइट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितनी मिलेगी कमीशन, 5%, 10%? तो मतलब 10% to 90% कमीशन आपको मिलती है। यस गाइस, मिलती है एंड मैं कर रहा हूँ एंड बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में कर रहे हैं। तो आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करना है तो प्लीज़ यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रूफ आप देखो कि हम कितने अर्निंग कर रहे हैं एंड कैसे हम एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। सो एफिलिएट मार्केटिंग एक एक्स्ट्रा इनकम आपका एक जनरेट कर सकता है और एक करियर भी हो सकता है एंड बहुत तगड़ी इनकम होती है मंथली, आई कैन से। सो दिस वॉज ओनली फॉर द बिगनर्स।
सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग की जो प्रोसेस आपको मैंने बताई, अब सेकंड पॉइंट है कि सीपीए में क्या होता है, सीपीए मार्केटिंग क्या होती है, मेनली जो वीडियो है अपना है वो सीपीए के ऊपर है। एंड हम सीपीए हम सब एक साथ साथ एक एक्चुअली स्टार्ट करने वाले एंड एक दूसरे का हम एक्चुअली ट्रैक करेंगे कितनी अर्निंग हो रही है एंड कैसे प्रोसेस चल रही है। कोई भी डाउट हो आप मुझे डीएम करो, कमेंट करो, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो, मैं आपको मतलब जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, तो सीपीए मार्केटिंग क्या होती है, राइट? तो सीपीए मार्केटिंग मतलब कॉस्ट पर एक्शन और कॉस्ट पर एक्विजिशन हम बोलते हैं, डिफिनेशन में ऐसा आता है, लेकिन मेनली आपको टोटली सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि सीपीए क्या होता है। एक ऑफर रहती है, उस ऑफर एक प्रोडक्ट का होता है, राइट? एक कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है, मतलब एफिलिएट में जैसे होता है वैसे यहाँ पे होता है। लेकिन एफिलिएट में कैसा सीन होता है कि हमें वो कन्वर्जन होने के बाद, मतलब सेल्स होने के बाद ही आपको मनी मिलने वाला है, या सेल्स होने के बाद ही आपको पैसे मिलेगा, पहले पैसे नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन सीपीए में ऐसे नहीं रहता। जो एफिलिएट की जो प्रोसेस है वही आधी प्रोसेस सीपीए में होती है एंड वो उसके लिए आपको वो पे करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है हेमेटाकोर का प्रोडक्ट आप लेंगे क्योंकि बहुत ही मतलब हिट चल रहा है, बहुत सेल्स लोगों की उससे आ रही है, तो मैं उसका एग्जांपल आपको लेता हूँ। तो हेमेटाकोर जब हम बाय करते हैं अपने जो लिंक से, तो वहाँ पे आपका वो ईमेल आईडी सबमिट करना पड़ता है, आपका जो कार्ड, आपका जो भी मतलब डेबिट कार्ड हो या कौन सा भी कार्ड आपको सबमिट करना पड़ता है, उस कार्ड से वो पे होगा, मतलब आपका ऑर्डर पूरा होगा तब आपको सेल्स का जो कमीशन मिलेगा, राइट? लेकिन सीपीए में नहीं है। आपका यही एग्जांपल लेता हूँ कि अपने एफिलिएट लिंक, मतलब आपकी जो लिंक उन्होंने दिए उस लिंक से आप अच्छे से प्रमोट करो, फिर लोग आएंगे एंड उन्होंने ऑर्डर किया नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना कार्ड वापस सबमिट किया होगा या ईमेल आईडी सबमिट की होगी, तभी भी आपको उसका पे मिलेगा। कितना पे मिलेगा मतलब वो वैरी करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट का मतलब $1 पर ईमेल होता है या $3 पर ईमेल होता है, $5 पर ईमेल होता है। एंड एक एक कार्ड का जो आप फॉर एग्जांपल आपको क्रेडिट कार्ड आपने सबमिट करवा दिया एज़ पर द ऑफर, तो आपको $20, $21 पर कस्टमर आपको मिलते हैं। यस गाइज, इतना पेमेंट मतलब पे आउट इतना मिलता है एंड मैंने एक्चुअली ऑफर्स देखे ऐसे। एंड जब मैं सब एक्सप्लेन करने के बाद मेरे जो लैपटॉप स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे आपको जो प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाऊँगा, प्लस वहाँ के ऑफर्स आपको बोलूँगा कैसे सेलेक्ट करना है, किस किस कंट्री को आपको टारगेट करना है, ये सब चीज़ें आपको बोलने वाला हूँ। ओके, द मेन डिफरेंस बिटवीन एफिलिएट एंड सीपीए, राइट? सो कैसा रहता है, तो देखो एफिलिएट में क्या होता है, टाइम बहुत लगता है सेल आने के लिए, ये आपको भी पता होगा, राइट? बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में जो बोलते हैं मुझे डीएम करके कि वो 6 महीने से काम कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही, मतलब अर्निंग कुछ भी नहीं हुई उनकी। एक बंदा है वो 8 महीने से कर रहा है लेकिन उसकी अर्निंग कुछ नहीं हुई, उसके पास ट्रैफिक अभी बन गया, मतलब 8 महीने से काम कर रहा है, उसके पास ट्रैफिक बहुत बन गया, अभी पिनट्रेस्ट में बन गया, इंस्टा पे बन गया, फेसबुक पे बन गया, सब जगह बन गया, लेकिन अर्निंग कुछ भी नहीं हुई क्योंकि सेल नहीं आई, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखो उसी जगह वो सीपीए करता तो क्या होता, यस? उसको देखो एफिलिएट में क्या चल रहा है कि उसको क्लिक्स बहुत मिल रहे हैं, क्लिक्स बहुत मिल रहे हैं, 200 क्लिक्स आ रहे हैं, उसमें से 5% आप लो, उतने लोग ऑर्डर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ऑर्डर फॉर्म में आके मतलब इसका मतलब देखो कि वो अपना नाम, गांव, आपका जो कस्टमर का ईमेल आईडी मिल रहा है, कार का जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, इतना डिटेल्स आपको मिलने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला, अर्निंग कुछ नहीं मिली। एक्चुअली अर्निंग कुछ नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेल नहीं हुई। तो बेसिकली वो सीपी मार्केटिंग करते हैं तो क्या होता, जो भी डिटेल्स उन्होंने जो सबमिट किए उसके उनको पैसे मिलते हैं, उसके अर्निंग मिलती, $20 मिलती, राइट? $5, $2, $3 कितने भी वो मिलती, मतलब सीपी देखो बहुत ही मतलब पोटेंशियल है इसमें आपके अर्निंग के लिए। मैं पहले वीडियो से आपको बोल रहा हूँ, वीडियो से भी पहले आपको बोल रहा हूँ कि आप अपना खुद का ऑडियंस बना लो, क्योंकि आप ऑडियंस बना लो और कौन से भी लिंक आप उनको छोड़ दो, मतलब वो पोस्ट कर दो आप, तो उस पर क्लिक करने वाले क्लिक करेंगे, मतलब कुछ तो जो भी सबमिट वहाँ पे बटन होगा, कि वहाँ पे ईमेल आईडी हो या कुछ भी हो, वो आप सबमिट करेंगे, उतना तो ट्रस्ट होगा। तो जब क्लिक करेंगे या ईमेल आईडी सबमिट करेंगे या कार्ड सबमिट करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, राइट? तो मैंने एक बंदा है एक्चुअली फेसबुक में, एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा ब्रो, सॉरी आपका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट करो, ओके? अपना नाम कमेंट करो। उनके पास प्री इंटरेस्ट में 3 मिलियन ट्रैफिक है, इट्स नॉट अ जोक, मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब हार्डवर्क इतना कर रहे हैं, एफिलिएट से अर्निंग उनकी होगी, राइट? इतना ट्रैफिक है मतलब हुई होगी, राइट? ट्रैफिक अच्छा है, अर्निंग एफिलिएट से हुई होगी, सेल्स आते होंगे, बहुत आते होंगे, लेकिन सीपीए से भी उनके पास बहुत लीड्स जनरेट होगी एंड उसका भी उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप दोनों चीज़ें आप बैलेंस करके चलो। फॉर एग्जाम्पल डेली आप 50 पिन आप करते होंगे तो 30 पिन आप एफिलिएट के लिए करो एंड 20 पिन आप
सीपीए के लिए करो। मतलब ये एक दिन आपकी सेल नहीं आई तभी भी सीपीए से आपको थोड़ी तो अर्निंग मिल सकती है, मतलब चांस बहुत है, पॉसिबिलिटी तो होगी राइट। तो आपका सेल नहीं होगी तो जो भी कस्टमर आपका मतलब जो ऑडियंस होगा वो अपना डिटेल सबमिट करेगा, उसकी तो आपका अर्निंग होगी ना। तो आप दोनों चीज़ बैलेंस करके चलो, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाला हूँ। मतलब देखो सेल्स से आएगा $100, $100 नहीं मिला तो 20 तो मिलेगा, तो ऐसे आपको प्लान करके आपको जाना है। तो बेसिकली सीपे में क्या रहता है, टाइम कम है लेकिन अर्निंग भी कम है। एंड एफिलिएट में कैसा रहता है कि टाइम बहुत लगता है लेकिन अर्निंग बहुत बड़ी रहती है। एंड आपका कैसा माइंडसेट रहता है कि अर्निंग बड़ी हुई तो भी आप खुश होंगे, ऐसा नहीं चलना है हमें। हमें $1 की भी कीमत हमें होनी चाहिए, $1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना $100, $200, $300, $400 एंड $1,000। मतलब $1 इज इक्वल टू $1,000, ऐसा माइंडसेट बनाओगे बनाओगे तब आपको बहुत खुशी होगी कि आपको $1 की आपको मिले तो तभी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमें काम करना है। ओके स्क्रीन पे मैं क्या क्या आपको शेयर करने वाला हूँ, इन क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। तो मैंने बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मैंने अप्लाई किए थे अप्रूवल के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों पे अप्रूवल नहीं मिला है। तो उनके मेल्स आए, तो क्या क्या वो एक्चुअली पूछते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो वो सब आपको दिखाऊंगा, ईमेल्स प्लस जो प्लेटफॉर्म्स है, तो प्लेटफॉर्म्स पे हम जाएंगे, विजिट करेंगे एंड आपको डैशबोर्ड सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हो। एंड किस तरीके का एक्चुअली कंट्रीज है, किस तरीके का ऑफर्स आपको मिलेंगे, कितने के ऑफर्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें आज यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हो। तो एड कॉम्बो का एफिलिएट अकाउंट है का मेरा एक्चुअली मुझे ईमेल आया था। तो ये कैटरीना है जो मेरी मैनेजर है, एफिलिएट किया था उन्हें। फिर जो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे मुझे कि आप ये क्वेश्चंस के आंसर दो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। तो बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन वो पूछते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 डेज अगो का चीज़ है, मैंने अब तक इनको रिप्लाई नहीं किया है इस चीज़ का। तो वेलकम टू एड कम्बो, माई नेम इज कैटरीना, आई एम एफिलिएट मैनेजर, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन टू अपर अकाउंट। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आप देख सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक डू यू रन, सो किस टाइप का ट्रैफिक आपके पास है राइट, व्हाट ऑफर्स आर लुकिंग फॉर, मतलब किस ऑफर में एक्चुअली आपको फोकस करना है और आपको कौन सा ऑफर आपको पसंद है, व्हाट जीईओज डू यू प्रिफर, विच टारगेट कंट्रीज आपको चाहिए, मतलब हमें टायर 1 कंट्री चाहिए आप सबको पता ही है, व्हाट सीपीए नेटवर्क डू यू वर्क विथ, अब तक सीपीए पर हमने काम नहीं किया अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कैन यू सेंड मी सम स्क्रीनशॉट विथ लास्ट पेमेंट्स फ्रॉम इन सीपीए नेटवर्क यू वर्क विथ, अब तक काम नहीं किया तो पेमेंट कहाँ से लाए, इसलिए मैंने अब तक यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया है ठीक है। और एक अकाउंट है सीपीए ग्रिप का जो मुझे अप्रूवल मिला था, जॉन विल्सन मेरे जो एफिलिएट मैनेजर है यहाँ पे सीपीए ग्रिप पे, उनसे मेरी लाइव स्काइप पे बात भी हुई है, बहुत अच्छे सर है वो, बहुत ही मतलब टाइनी सी चीज़ें आपको पूछते हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, एक बातें करनी, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है यहाँ पे। तो ये अकाउंट हैज अप्रूव्ड, यहाँ पे दिया है नंबर आप देखो, माय नेम इज जॉन विल्सन, आई एम अकाउंट मैनेजर सीपीए ग्रिप। तो यहाँ पे चीज़ें सब उन्होंने लिखे हैं क्या क्या करना है, एंड यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्काइप आईडी उनकी है, तो यहाँ से हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, एंड उनको जो भी डाउट हो सीपीए के बारे में और सीपीए ग्रिप के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत ही वो मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन इस फील्ड में। कि मैंने एक एक्चुअल क्वेश्चन पूछा कि एक ऑफर है एंड उस पर क्लिक किया तो अलग सा ऑफर ओपन हो रहा था, तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन उनको पूछा तो उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद रिप्लाई किया, एंड जो उन्होंने आंसर दिया वो बहुत ही सही था, मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है कि मतलब स्पैम नहीं कर सकते यहाँ पे मतलब इसका आंसर था, मतलब आप रहते हो इंडिया में और यूएसए के ऑफर को आप क्लिक कर रहे हो, तो ऑफर जो मेन ऑफर है यूएसए के ऊपर नहीं ओपन नहीं होगी, वो इंडिया की जो ऑफर है उसको वो रीडायरेक्ट करेगी। यहाँ पे सर बोले यू आर बींग रीडायरेक्टेड बिकॉज यू लिव इन इंडिया एंड दिस ऑफर इंटेंडेड फॉर यूएस ट्रैफिक, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इंडिया के हो एंड यूएस का जो ऑफर पे क्लिक कर रहे हैं एंड वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे स्पैमिंग आप नहीं कर सकते ठीक है। फिर हम चलते हैं मैक्स बाउंटी पर, मैक्स बाउंटी का एप्लीकेशन मैंने किया था अप्रूवल के लिए, लेकिन आप यहाँ पे ईमेल देख सकते हो, योर मैक्स बाउंटी एप्लीकेशन हैज़ बिन रिजेक्टेड, एंड इसका उन्होंने रीज़न दिया है कि यू आर वेरी अनएक्सपीरियंस्ड, मैंने जो फॉर्म वहाँ पे लिखा था बहुत ही कैजुअली वहाँ पे लिखा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था,
देखना चाहता था कि अप्लाई मतलब इससे अप्रूवल मिलता है कि नहीं, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने बहुत डिटेल्स वहाँ पे नए डाले थे, कैजुअली लिखा था। उन्होंने मेल किया, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ मैक्स बाउंड एफिलिएट, बट एट दिस टाइम वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट टू गेन मोर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन एफिलिएट मार्केटिंग देन अप्लाई विद अगेन इन फ्यू मंथ्स। मतलब वो बोल रहे कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, काम करो, फिर से आप 6 महीने में 5 महीने अप्लाई कर सकते हो, फिर से आप उनका अपील कर सकते हो, देखो एंड हाउ यू एंड। लेकिन उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि हाउ यू ड्राइव ट्रैफिक टू एफिलिएट मार्केटिंग कैंपेन्स। आपके जो एफिलिएट मार्केटिंग कैंपेन्स रहेंगे उसके लिए आप ट्रैफिक कैसे आप लेंगे, कैसे आप करोगे काम, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर वो आपको अप्रूवल लेंगे। यहाँ पे और एक प्लेटफॉर्म है सीपीए लीड्स का, यहाँ पे भी हमारा जो एप्लीकेशन अप्रूवल मिला है, अप्रूवल आप देख सकते हैं। वेलकम टू सीपीए लिखाती। देखो यहाँ पे किस टाइप के ऑफर्स आपको मिलेंगे देख सकते हो। प्रीमियम सीपीए ऑफर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे फिर प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, फिर ऑफर्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये नहीं जानना है, देख आप हमें सिर्फ फ्री में अर्न करना है, हमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, ठीक है। फिर रिस्क रहेगा कि जो ROI मिलेगा ये ना मिलेगा, ऐसा होगा। तो हमें फ्री में काम करना है, अर्निंग ज़्यादा निकालनी है। तो पेपर क्लिक साइड है, मोबाइल CPI जो मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। लीड जनरेशन ऑफर्स ही हम जो करने वाले ज़्यादा काम, तो लीड पर ज़्यादा काम करने वाले। डाउनलोड ऑफर्स है, हाई पेइंग पिन सबमिट ऑफर्स है, प्रीमियम सर्वे ऑफर्स है, ये भी हम करने वाले, प्रीमियम सर्वे ऑफर्स भी हम करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हो अंडर लॉकर मिलेगा, बैनर एड्स मिलेंगे, पॉप अंडर एड्स मिलेगा, सुपर लिंक्स मिलेंगे, पुशअप एड्स भी मिलेंगे। तो यह जो चीज़ें मैंने अप्लाई की थी सब चीज़ें यहाँ पे अभी है। एंड ये जो ईमेल्स थे अप्रूवल के लिए, अब हम जाने वाले हैं हर एक डैशबोर्ड में एंड आपको बताऊंगा किस तरीके के ऑफर मिलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, मैं यहाँ पे सीपीए ग्रुप पे आया हूँ एंड यहाँ पे लॉगिन करने वाला हूँ। लॉगिन हो रहा है, राइट, यस इट्स डन। सो बेसिकली दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ अ सीपीए ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा आपको सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एंड कैसे यहाँ पे काम होता है, कैसे चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक चैट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं यहाँ पे सीपीए ग्रुप पे, एंड जिसकी अर्निंग होती है यहाँ पे वो चैट करते हैं एंड एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो लिपू अर्न $4 टुडे, 132 व्यूज, 86 क्लिक्स में 3 लीड आए उनकी। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। पार्टिसिपेट करना होगा तो इसका एक क्राइटेरिया है, एंड क्राइटेरिया क्या है तो आपको बताता हूँ उसका। यहाँ पे आपको $25 की अर्निंग पहले होनी चाहिए, $25 अर्निंग होने के बाद ये जो एक्टिव होगा आपका ये चैट बॉक्स, फिर यहाँ पे आप चैट कर सकते हो इजीली। अभी काम अभी अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो रेवेन्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन अभी काम चालू है यहाँ पे, ठीक है। देखो वन क्लिक यहाँ पे आप देख सकते हो। और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिलेगा, यहाँ पे कितने व्यूज आए, कितने क्लिक्स, कौन से ऑफर आप काम कर रहे हो, यहाँ पे सब आपको दिखने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ आपके जो अकाउंट मैनेजर का डिटेल्स आपके आपको मिलेगा। सो माय नेम इज जॉन विल्सन, आई एम अकाउंट मैनेजर। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी उनके एंड स्काइप आईडी आपको मिलेगी, जहाँ से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इशू हुआ तो, या इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए तो आप उनको ईमेल कर सकते हो। तो यहाँ पे डैशबोर्ड है, स्टैट्स एंड चार्ट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिटेल्स में सब आपको मिलेगा, स्टैट्स, ओवरव्यू, डेली ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन। तो मेनली मोनिटाइजेशन भी टूल अलग सी चीज़ है, अभी इस पर नहीं जाएं क्योंकि हम नए इसमें, तो वो अलग चीज़ है। ऑफर्स में जाएंगे, ऑफर्स में, ऑफर्स में आपको क्लिक करना है। इंडिया में इतने सारे ऑफर अभी चालू हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही कम है, लेकिन इंडिया में हमें काम नहीं करना है तो कोई टेंशन की चीज़ नहीं। यहाँ पे हम डालेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में कितने ऑफर अभी चल रहे हैं। पे आउट के हिसाब से हम करेंगे, ओके। यहाँ पे $2.31 यहाँ पे काम चालू है, यहाँ पे ऑफर चालू है। देखो ईमेल, जिप, सबमिट, डेस्कटॉप के ऑफर्स है,
यहाँ पे मोबाइल के ऑफर से आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई झूठ नहीं, सब आपको क्लियर में स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। अर्निंग पर क्लिक आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सेंट्स आ रहे हैं। तो ऑफर इतना खास नहीं है, लेकिन देखो पेआउट, देखो सीपीए में पेआउट कम रहता है, मैंने आपको बोला है। यहाँ पे $50, $100 एक ही ऑफर में नए नए मिलेंगे, राइट? आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा, फिर आपको एज अ ग्रुप में आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पे पेआउट कम होता है, इसलिए क्या करते लोग सीपीए करते नहीं है, क्योंकि उनको बड़े अर्निंग चाहिए। एंड इस बड़े अर्निंग हासिल करने के लिए वो 6 महीने उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन 6 महीने में आपने दो दो डॉलर पर डे अपने अर्न किए तो कितना होगा, राइट? अमाउंट बड़ी होगी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बड़ा अमाउंट चाहिए उनको, $100, $200, $500 ऐसी अर्निंग चाहिए 1 महीने में। लेकिन ऐसा नहीं रहता, हमें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, तभी आपकी अर्निंग होती है। तो यहाँ पे $2 की पे आउट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब किस टाइप का आपको ऑफर एक्चुअली उठाना है एंड किनको आपको टारगेट करना है? देखो सीपीए ऑफर ज़्यादा वुमेन्स में कन्वर्ट होता है, ओके? तो और एक चीज़ है कि गिफ्ट कार्ड जो होते हैं वो बहुत ही कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री में आपको कुछ मिलता है। इससे क्या है, लोग एक्साइटेड होते हैं एंड उस लिंक पे क्लिक करते हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो वहाँ पे आप सबमिट करते हैं। तो गिफ्ट ऑफर्स आपको बहुत सारे उठाना है, एंड आपको जो भी ऑफर में, देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हमें लिंक मिलेगी। ये जो लिंक है वो आपको प्रमोट करना है। हम अलग से कंट्री को देखेंगे अभी, यूनाइटेड किंगडम हम देखते हैं कितने का पे आउट है वहाँ पे, है $2। देखो आईफोन एयरपॉड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, डोमिनोज का भी ये कार्ड है। फिर हम जाएंगे कनाडा, कनाडा कनाडा भी बहुत अच्छी कंट्री है, यहाँ पे भी अच्छी अर्निंग होती है। देखो $18 का यहाँ पे प्याड आपको मिल रहा है। देखो सिर्फ क्या यहाँ पे कराना है, मोबाइल पे आपको जाना है, मोबाइल का एक ऑफर है, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सबमिट करना है आपको, ठीक है? आपका कार्ड आपका सबमिट हुआ, आपने करवाया आपके ऑडियंस के थ्रू, तो आपको $18 आपको इसका मिलने वाला है, मतलब बहुत ही सही है। वॉच द बेस्ट मूवीज ऑन फिल्म टू नाइट, देखो ये भी आपने प्रमोट किया तो आपको $18 मिलेगा। डाउनलोड द बेस्ट कंटेंट नाउ, $6 मिलेगा। सर्वे भी बहुत अच्छे चलते हैं, लोग बहुत ही सर्वे एक्चुअली काम करते हैं, तो इसका भी $1 मिलेगा आपको। तो ऐसी चीज है, मतलब ऑफर बढ़िया आपको मिल रहे हैं। देखो इस दोनों ऑफर को अभी अभी आप चालू करो काम इस पर। देखो आप माइंड में आपको क्वेश्चन हो कि आप कहाँ पे प्रमोट करेंगे, देखो आप पिन इंटरेस्ट पे प्रमोट आप ये कर सकते हो। देखो आपके पास ऑडियंस इंस्टा पे होगा, FB पे होगा, या टम्बलर मीडियम पे होगा, या पिन इंटरेस्ट में होगा। पिन इंटरेस्ट में आप क्या करो, मतलब देखो मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ कि आपके ऑडियंस बड़ी होनी चाहिए, आपके पास ऑडियंस होना चाहिए, आपका खुद का ऑडियंस होना चाहिए, एंड आप जहाँ भी आप अफिलिएट लिंक डालो वहाँ पे आपको क्लिक्स आने ही चाहिए। ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप, इतना अच्छा क्वांटिटी आप क्वालिटी इतनी पुष्ट के अच्छे रहो, क्योंकि लोग वहाँ पे आएंगे ही। तो मैंने बहुत महीनों से आपको बोल रहा हूँ कि ऑडियंस पे काम करो, इसका फायदा जिन लोगों ने काम किया होगा उनको आज यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि पिन इंटरेस्ट में हम जो कंट्री को टारगेट करते हैं वो Tier 1 कंट्रीज होते हैं, एंड हमें भी सीपीए पे Tier 1 कंट्रीज ही चाहिए, प्लस ज़्यादा वुमेन चाहिए। तो हमारे पास 80% जो लोग हैं हमारे पिन इंटरेस्ट अकाउंट पे वो वुमेन्स है, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट वुमेन्स ऑडियंस से बढ़ता है, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन लो या हेल्थ हनीश लो, वहाँ पे जो कन्वर्जन हमें मिलता है वो वुमेन्स के थ्रू ही मिलता है। ये जो चीज़ें आपको पता होगा, राइट? आप एफिलिएट में काम करते हो तो ये चीज़ें होती है, आपको पता होनी चाहिए कि मेनली आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उनका एज क्या है, उनकी कंट्रीज क्या है, उनका जो बिहेवियर ऑन अकाउंट कैसा है, मतलब कहाँ पे एक्टिव रहे, कितना टाइम एक्टिव रहते हो, उनको एक्चुअली फॉलो करना है एंड वैसे उनको ट्रैप भी करना है। तो ऐसी चीज़ें एक बिहेवियरल आप बोल सकते हो कि उनको हम एक ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन देखो पिन इंटरेस्ट में आपके पास ऑडियंस होगा तो यहाँ पे आपको एक आईफोन का जो यहाँ पे ऑफर दिख रहा है, जो पेज है उनका,
यहाँ पे आपको सिर्फ नाम, ईमेल आईडी डालना है, प्लस आपका जो कार्ड है, राइट, कार्ड है वो सबमिट करवाना है, एंड आपको $18 यहाँ पे मिल जाए। एक्चुअली $21 था, आप पता नहीं $18 क्यों किया उन्होंने, क्योंकि मैं 4 दिन पहले मैंने देखा था काम करते वक्त, तो यहाँ पे 21 था, अभी 18 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जल्द से जल्द काम करना शुरू करो, एंड देखो बहुत सारे ऑफर डेली अपडेट होते हैं, तो कोई चिंता का चीज़ नहीं कि आपका मतलब जो ऑफर है वो आपको पसंद नहीं है, आप यहाँ पर डेली आ सकते हो और ऑफर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे सीपीए लीड्स में, यहाँ पे भी ऑफर्स आपको अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे भी डैशबोर्ड आप देख सकते हो, अभी अभी काम चल, इसलिए कुछ यहाँ पे डेटा वगैरह कुछ नहीं है। इंडिया के लिए ऑफर्स आप देख सकते हो, देखो हम डायरेक्ट ऑफर्स में जाएंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है, एलआई ऑफर्स आप देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा ऑफर चल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, ऑफर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। पे आउट के हिसाब से हम चलेंगे, $3 यहाँ पे स्टैंडर्ड कैश 750, देखो ऑफर्स है, सर्वे का ऑफर्स है, देखो सर्वे ऐप ऐप का हो या सर्वे का हो या कार्ड का हो, मतलब आप पिन इंटरेस्ट में आप डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखो अमेजोन गिफ्ट कार्ड है यहाँ पे, डिवाइस आप देख सकते हो, ऑल डिवाइस है, टाइप है सर्विस एंड कंट्री यूएसए, ठीक है। तो आप पे आउट $1 के ऊपर है, तो आप यहाँ पे आप अमेजोन की गिफ्ट कार्ड आप पिन इंटरेस्ट पे सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अमेजोन एक बड़ी कंपनी है, इसका फ़ायदा लो एंड वहाँ पे आप पिन्स आप तैयार करो, होगा। नेटफ्लिक्स की देखो यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन मिल सकता है, मैं आपको एक ऑफर एक्चुअली दिखाता हूँ, पता नहीं वो बंद हुआ है कि नहीं, लेकिन फीवर का भी ऑप्शन चल रहा है, लॉकर्स ऑन कैनेडा, कैनेडा को देखेंगे कि यहाँ पे कोई ऑफर, बड़ी ऑफर है क्या, जो हमें निश के हिसाब से ऑफर चाहिए ना हमें। यहाँ पे देख सकते हो गूगल प्ले $100 आपको मिलेंगे, पिन प्लस सबमिट करना है यहाँ पे। देखो ऐसे ऑफर्स आपको मिलेंगे, आपको डायरेक्टली आपके ऑफर्स को उठाना है। देखो फीचर्ड ऑफर्स में भी आप जा सकते हो, ओपन अ फ्री डीमेट अकाउंट, देखो यहाँ पे आपको पे आउट कितना है, इतना सीपीए मिलेगा, फोन एंड्रॉयड है, स्टेटस एक्टिव इंडिया में है, यहाँ पे आपका ये लिंक है, एफिलिएट लिंक, ठीक है। आप ये क्रिएटिव आप यूज कर सकते हो अपने पेज पर, तो ऐसी चीज है, बहुत इजी है स्टफ, आपको एक्चुअली करना है, यहाँ पे लैंडिंग पेज आप बना सकते हो, देखो क्रिएट लैंडिंग पेज पे आप क्लिक करना, फिर यहाँ पे आपको टेम्पलेट करना है यूज, को कौन सा एक्चुअली आपको चाहिए, ठीक है। गिफ्ट कार्ड गिव अवे का आपको चाहिए, देखो गिफ्ट कार्ड के बहुत सारे ऑफर चल रहे, तो ये आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो, कस्टम एचटीएमएल आप यूज कर सकते हो, मतलब जिस तरीके का ऑफर होगा उस तरीके से हम टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर वॉल में जाएंगे, तो क्रिएट ऑफर वॉल अब तक हमने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि नया अकाउंट है, अब तक काम नहीं किया, देखिए थीम के हिसाब से हम ऑफर एक वॉल बना सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑफर को आपको इस वॉल पे डाल सकते हो, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और उसको आपको प्रमोट करना है, मतलब ज़्यादा ऑडियंस को ऑप्शंस मिलेगा कि ये नहीं तो वो लेके, ऐसा यहाँ का एक्चुअली उनका एक माइंडसेट रहेगा, ठीक है। अब एड कम्बो में जाएंगे, एड कम्बो का एक्चुअली अकाउंट मेरा अब तक एक्टिवेटेड नहीं हुआ है, ट्रीना उनका नाम था एंड उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने उनको अब तक ईमेल नहीं किया था, राइट, आंसर नहीं दिए थे, इसलिए अब तक मेरा जो अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया उन्होंने, वो बोल रहे कि प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर मैनेजर, ठीक है। तो ये नहीं, हम करेंगे बाद में, एक्सपीरियंस आने के बाद, पेमेंट क्लियर होने के बाद। और एक जो सीपीए प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम परफॉर्म बोलते हैं, एक्चुअली इसको क्लिक बूथ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसका नाम अभी चेंज किया है, तो लॉगिन करना है इसको, मैंने अब तक तो अकाउंट नहीं ओपन किया है यहाँ पे, तो डायरेक्टली साइन अप ही करेंगे अभी, साइन अप, वन सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, बिकम एन एफिलेटर, बिकम मार्केटर, यस। यहाँ पे रजिस्टर मैंने अब तक किया नहीं, लेकिन करने वाला हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या चीज़ आपको डालना है। देखो आई नीड अ एफिलेट पार्टनर, यस,
यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंपनी नेम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कंट्री एड्रेस, जिप कोड, सिटी, फोन एंड ऑल कंटेंट डालो। जहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो अलग सा एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है, कि आप कौन सा टाइप का ट्रैफिक, मतलब जो ईमेल में आपको मैंने बताया था वही क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, आपको अच्छे से वो डालने हैं और सबमिट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था, अभी मैं दो आपको प्लेटफॉर्म से बताने वाला हूँ जहाँ पे हम सीपीए मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं। देखो, दो टाइप के बंदे रहेंगे ग्रुप में, जो एक बंदे होंगे जो जिनके पास ऑडियंस होगा, राइट, तो वो एक्चुअली काम कर सकते हैं, पिन्स बना के पिन इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं, राइट। तो और ऐसे भी बंदे हैं जहाँ जहाँ पे वो वहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑडियंस होगा तो वहाँ पे आप सीपीए कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बंदे होंगे जिनके पास ऑडियंस ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, ये साइट पर आना है आपको, microworkers.com। यहाँ पे आपको कैंपेन क्रिएट कराना है। एक्चुअली ये क्या होता है कि हमें इनको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, फिर वो हमारा काम करके वो देंगे। एक्चुअली आप वहाँ पे क्रिएट कैंपेन कर सकते हो, माइक कैंपेन्स कर सकते हो, उसके साथ आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे है, आप यहाँ पे सब पढ़ सकते हो, बहुत ही ईजी है, कोई इतना बड़ा कुछ नहीं है इसमें। तो क्रिएट टीटीवी क्या कैंपेन्स करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कर सकते हो न्यू स्टार्ट बेसिक, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे न्यू बेसिक कैंपेन आप ट्राई कर सकते हो। उसके साथ ये जो आपका जो टेम्पलेट है, यहाँ पे सब चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है, कौन सी कंट्री का आपको ट्रैफिक चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज हमें चाहिए। फिर एक्चुअली आपका जो ऑफर में क्या लिखा है वो आप पे डालना है। देखिए कैटेगरी फॉर कंपनी क्या होना चाहिए, ऑप्टिन साइनअप चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर कितने टास्क चाहिए, कितने टाइम में फिनिश होना चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितने वर्कर को आप पे करोगे, 1 लीड को आप 30.30 आप पे करोगे उनको, राइट। तो ऐसे करके आप वही सभी टास्क आप कर सकते हो। स्पीड कितना चाहिए, टाइटल आपका जो भी ऑफर का टाइटल होगा, टेक्स्ट क्या क्या होगा यहाँ पे सब आपको लिखना है। ये बहुत ईजी है, इतना इतना बड़ा कुछ नहीं इसमें, गणेश, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। मतलब दो ऐसे प्लेटफॉर्म से जिनका यूज करके आप सीपीए मार्केटिंग कर सकते हो, यहाँ पे कमीशन आप इजीली ले सकते हो, ठीक है, सीपीए ग्रिप एंड सीपीए लीड पर। एंड मैं आशा करूँगा कि आप भी अभी चालू करो, सीपीए एफिलिएट पर डिपेंड मत रहो, क्योंकि सेल वहाँ पे आती है और नहीं आती है, दोनों भी चलता रहता है, लेकिन गारंटेड भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग हैं जो 6 6 महीने 8 8 महीने काम कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रही उनकी, तो मैं बोलूँगा आप ये भी करो वो भी करो, दोनों एक साथ बैलेंस करके चलो, आपका ये फायदा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक लैंडिंग पेज पे करने वाला हूँ, जो मैं लैंडिंग पेज यूज करता हूँ एंड जो कन्वर्जन उससे मुझे बहुत मिले हैं, ऐसा जो पेज मैं आपको बना के दूंगा, एक एक वीडियो बनाऊंगा उस पे, विक्स पे बनाऊंगा, एंड आप वही आप विक्स पे जाके आप वहाँ पे अपना एक लैंडिंग पेज खुद ही सिंपल सा बना सकते हो एंड अपने एफिलिएट मार्केटिंग या सीपीए ऑफर्स पे वो पेज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को मतलब देखना अच्छे से, क्योंकि लैंडिंग पेज एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको मतलब ऑडियंस बहुत मिलता है लेकिन कन्वर्जन नहीं होता। इसका मतलब दो चीज़ हो सकती है, कि आपका लैंडिंग पेज खराब हो सकता है या जो प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद नहीं आया होगा। तो इस पे क्या रहता है कि आपको प्रोडक्ट चेंज भी करना पड़ता है एंड वेरियस लैंडिंग पेज के साथ आपको काम करना पड़ता है, आपको टेस्ट करना पड़ता है बहुत सारे लैंडिंग पेज, मिनिमम 2 या 3 के पेज के साथ आपको काम करना पड़ता है, एंड उसमें से कौन सा कन्वर्ट हो रहा है अच्छे से, आपको बिल्डअप हो रहा है और नहीं, तो उसको आप ज़्यादा यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा एक सिंपल लैंडिंग पेज कैसे बनाना है एंड
बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लैंडिंग पेज हम बना सकते हैं, लेकिन मैं विक्स यूज़ करता हूँ। तो अभी विक्स के लिए मैं वहाँ पे भी आप लैंडिंग पेज आप सब बना सकते हैं, लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो विक्स पे लाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना अच्छे से, यानी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ा भी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करूँगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।